दोस्तों एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है रंजन कुमार बेहरा, इन्होंने कमेंट में कहा है सर मेरा सीडी 100 सीसी की गाड़ी है, बाइक है उनकी 100 सीसी यानी लो सीसी की बाइक है, जैसे रेस करने से मिसिंग करता है और माइलेज भी कम आता है, ऐसा इन्होंने कहा है। दोस्तों माइलेज और एवरेज में फर्क है, एवरेज बोले तो एक घंटे में आपका बाइक कितना किलोमीटर जाता है इसको हम लोग एवरेज करते हैं, इन्होंने माइलेज कहा है। माइलेज का मतलब होता है एक लीटर में कितना किलोमीटर बाइक चलते है उसको माइलेज कहते हैं। तो इन्होंने इनका बाइक है सीडी 100 सीसी की बाइक है इनकी, रेस करने से मिसिंग करता है, मिसिंग करता हुआ तो कम ज्यादा होता रहेगा या बंद होता रहेगा, ऐसे मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पे आरपीएम सेटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे मैंने हर वीडियो में कहा है जब लो सीसी की बाइक होती है तभी आपका आरपीएम होता है, आरपीएम का स्क्रू होता है, ये 1200 से लेकर 1500 के बीच में आपको 1400 आइडियल आपको एडजस्ट करना पड़ा, वो सही मात्रा मैकेनिक के पास से आप सेटिंग कर रहे या मेरा वीडियो भी आप देखे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरी बात इसका परफॉर्मेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा रेस देने के बाद थोड़ा मिसिंग होता है, रेस देने के बाद मिसिंग होता है इसका मतलब हवा जाती है, रेस देते हैं तो हम लोग एयर हवा ज्यादा जाती है लेकिन जो फ्यूल है वो कम होता है, तो आपको थोड़ा सा कार्बोरेटर भी सफा करके देखना पड़ेगा क्योंकि एयर और जो फ्यूल है इनका सही मात्रा में मिक्सचर इंजन को मिलना चाहिए, एयर ज्यादा होती है और फ्यूल कम होता है तभी ये प्रॉब्लम आता है मिसिंग वाला, तो इसको चेक करें। दोस्तों आगे का सब्सक्राइबर है नीलेश मुकती नाम है, इन्होंने कमेंट में कहा है मेरे पास गैस वाली बाइक है वो पेट्रोल पर स्टार्ट हो जाती है, गैस वाली यानी फ्यूल वाली पेट्रोल के ऊपर स्टार्ट होती है लेकिन जैसे रेस कम करते हैं बंद हो जाती है और एक्सीलेटर दबा के रखने हैं तो बंद नहीं होती है, सही बात है आपका परफॉर्मेंस का इसमें प्रॉब्लम है। दोस्तों आपने खुद का पेट्रोल की बाइक है जैसे आप स्टार्ट पेट्रोल पर स्टार्ट होती है लेकिन रेस कम करते तो बंद हो जाती है लेकिन एक्सीलेटर दबा के रखते तो बंद नहीं होती, तो ये मतलब होता है सही बात है यानी आपका परफॉर्मेंस में इसमें फर्क होता है। आपने अगर क्लच को ओपन रखा है और जो रेस है वो कम कर दिया यानी स्लो कर दिया, अभी कैसे होता है इसमें सभी गियर का एक लिमिट होता है, समझो एग्जांपल आपकी बाइक तीसरे गियर पर है चौथे गियर पर है थर्ड गियर पर है लेकिन आप स्पीड में जा रहे हो लेकिन आपने कैसे रेस कम कर दिया यानी बाइक को स्लो कर दिया, लेकिन स्लो कर दिया तो आपका गियर भी डाउन होना चाहिए क्योंकि सभी गियर का जो स्पीड का लिमिट है वो फिक्स होता है, आपने स्लो कर दिया लेकिन गियर में हाई रखा यानी थर्ड पे रखा आपने नीचे नहीं आया तो ये प्रॉब्लम होगा मिस हो जाएगी बाइक बंद हो जाएगी, लेकिन जब आप क्लच अपनी ओर खींचते तभी कौन से भी गियर में रहेगा तो बाइक बंद नहीं होगी लेकिन स्टार्टिंग करते समय झटका मार के बंद हो सकती है स्लो हुआ, लेकिन अगर आप क्लच छोड़ते तो उस समय आवाज करेगी या बंद हो सकती है। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा अलग अलग वीडियो है कौन से गियर में कितना स्पीड में चलनी चाहिए, शॉर्टकट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपका पहला गियर होता है वो स्टार्ट करने के लिए होता है सिर्फ स्टार्ट करना है, बाद में 5-6 नंबर जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 नंबर जाने के बाद जो मीटर में आता है आपको रेस को कम करके गियर को पहला गियर सेकंड गियर डालना पड़ा, पहले से सेकंड गियर आना पड़ा और रेस देना पड़ा, लेकिन ये करते समय आपको क्लच का सही मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ा, जब भी गियर अप डाउन करते उस समय क्लच को बराबर ऑपरेट करना पड़ा तो ये प्रॉब्लम आपका हो जाता है। आपने क्या किया एक्सीलेटर दबा के रखते तो उस समय बंद नहीं होती, सही बात है एक्सीलेटर आपने लिखा लेकिन गलत बात है, क्लच दबाना पड़ता है एक्सीलेटर को दबाना, एक्सीलेटर अलग होता है राइट हैंड में क्लच लेफ्ट हैंड में होता है, क्लच दबा के रखते तो बाइक कभी भी बंद होगी क्योंकि जो गियर शाफ्ट होता है ना गियर शाफ्ट और गियर वो अलग अलग होता है, तो इसमें इंजन चालू है लेकिन इंजन का कुछ ढकेलने का फोर्सिंग का काम जीरो होता है इसके लिए बंद नहीं होते, तो आपका चलाने का परफॉर्मेंस सही नहीं है, आपको गियर ओपन छोड़ के रेस कम नहीं करना है, तो इंजन ब्रेक बैठेगा बाइक बंद हो सकते है मिसिंग हो सकते है, तो आपका परफॉर्मेंस पहले सही करिए।